बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मिंट मार्गरीटा, जो बहुत मज़ेदार और रिफ्रेशिंग और बहुत फ़ायदों से भरपूर और बहुत जल्दी में बनेगा। तो शुरू करते हैं बनाना। पहले हम लेंगे ग्राइंडर और उसमें एक मुट्ठी पुदीना डालेंगे। पुदीना फ्रेश होना चाहिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आइस क्यूब। आइस क्यूब जितना ज़्यादा डालेंगे आपके ड्रिंक उतनी ही मज़ेदार और यमी बनेगा। काला नमक मैं डालूँगी आधे चाय का चम्मच। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। और अगर आपको मीठा नहीं पसंद और आप कम लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मत डालें, क्योंकि हमने इसमें सोडा डालना है, उसमें भी मीठा होता है। तो मैंने एक खाने का चम्मच डाला है। इसके बाद मैं काली मिर्ची डालूँ। काली मिर्ची भी मैंने आधी चाय के चम्मच डाली। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो डालें वरना मत डालें। लेमन लेंगे 3 से 4 अदद में ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास छोटे हैं ये लेमन। अगर आपके पास बड़े हैं तो आप 2 से 3 डाल दें, काफ़ी है। तो ये मैं 2 गिलास बना रही हूँ मार्गरीटा, तो इस हिसाब से मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ। उसके बाद हम डालेंगे सोडा। सोडा आप इसमें डालेंगे 1 गिलास भर के डालेंगे, और ये ठंडा होना चाहिए। तो उसके बाद ये सब कुछ हमने इसमें डाल दिया। अब हम इसको ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड करेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक ग्राइंड करेंगे। आपको पता है मिंट मार्गरीटा बाजार में बहुत महंगा मिलता है, और देखिए हमने घर की ही चीज़ों से और कम वक्त में तैयार कर दिया है। तो बेहतरीन किस्म का मिंट मार्गरीटा तैयार है, और हमने बिल्कुल बाजार जैसे बनाया है। तो ये देखें, बेहतरीन किस्म का मिंट मार्गरीटा तैयार है। आप देख सकते हैं बहुत यमी लग रहा है। और जितना आप आइस डालेंगे और आइस को अच्छे से ग्राइंड करेंगे और बिल्कुल स्लैश की तरह बनाएंगे, तो ये लीजिए मज़ेदार किस्म का मिंट मार्गरीटा तैयार है। पुदीना सेहत के लिए वैसे ही बहुत अच्छा है, ठंडक का एहसास देता है, पेट की बीमारियों के लिए बहुत बेहतरीन है। और सोडा साथ डाल दें, लीमू, काली मिर्ची, काला नमक, ये सब मिला के बहुत मज़ेदार और बहुत यमी बन जाता है, हेल्दी और रिफ्रेशिंग। तो बड़े छोटे सब शौक से पीते हैं, जिसको जितना पसंद है मार्गरीटा डाल दें। और अगर आपको ज़्यादा नहीं पसंद तो आप इसमें थोड़ा सा सोडा और डाल दें। सर्व करते हुए जितना आपको जैसे पसंद है आप ऐसे पी सकते हैं। तो बड़े मज़ेदार और यमी ये रेसिपी आपके लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ, ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।